Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I'm faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling out, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. अस्सलाम फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? GTA मोड माफिया की जानिब से मैं हूं मोहम्मद बकार। तो फ्रेंड, गेम प्ले तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे GTA San Andreas मॉडर्न सिटी मोड का। तो चलें अब बात कर लेते हैं कि आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है और इसकी पीसी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको पता लग जाएगा कि आपने इसको लो पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है और हाई पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है। तो होता ऐसा है अक्सर कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद आपके पास मसला आता है कि आपका मूड सही से रन नहीं होता। तो इंशाल्लाह अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका मूड भी रन होगा और आपको ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, डाउनलोड होने के बाद ये फाइल आपके सामने आएगी। तो आपने सबसे पहले अपनी गेम GTA San Andreas को ऑन कर लेना है। तो चलें मैं यहाँ से अपनी GTA San Andreas को ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपने करना क्या है। इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है ताकि ये एक फोल्डर की सूरत में आपके सामने आ जाए। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ। फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। अब आपको करना क्या होगा, चले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको 3 फाइलें दी जा रही हैं जिसमें से 2 ENV मोड है और एक पूरा गेम मोड पैक है। तो आपने करना क्या है, ये जो गेम मोड पैक है जिस पर कॉपी गेम फोल्डर लिखा है इसको कॉपी करना है और अपनी गेम में पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ से मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। फ्रेंड, हमारा मोड पैक जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद बात करते हैं ENV मोड की। तो जो अभी लास्ट टाइम मैंने आपको गेम प्ले दिखाया है वो हाई एंड PC के लिए ENV मोड है, लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ लो एंड PC के लिए ENV मोड। तो अगर आपके पास लो PC है तो आपने ये हाई वाले को यूज़ नहीं करना, ठीक है? तो हम अब यूज़ करेंगे लो एंड पीसी के लिए, तो ताकि दोनों के गेम प्ले आपको पता लग जाएंगे कि लो एंड पीसी में कैसे ग्राफिक्स हैं और हाई एंड पीसी में कैसे ग्राफिक्स हैं। तो अब हम ये लो एंड पीसी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, फ्रेंड आपने इसको रिप्लेस कर लेना है। तो फ्रेंड, हमारा जो मोड है वो इस वक्त सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। जी तो फ्रेंड, हमारा जो मोड है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे सारे आपकी गेम के जो टेक्सचर हैं वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है? अब उसके बाद इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। और इस जो हमने ये जो मोड यूज़ किया है ये हमने लो एंड पीसी के लिए यूज़ किया है। तो इसमें आपको गाड़ी के ग्राफिक कैसे देखने को मिलने वाले हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलें यहाँ से सबसे पहले हम किसी गाड़ी में बैठते हैं। तो ये देखें कि ये बिल्कुल लो एंड पीसी के लिए है, फिर भी आपको ग्राफिक जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि कैसी चमक आ रही है गाड़ी के अंदर। तो चलें मैं यहाँ से फ़िलहाल जो है आ जाता हूँ बाहर और आपको बताता हूँ कि इसमें आपको और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 7 के बटन को प्रेस करते हैं तो आपको सारी बाइक और गाड़ियाँ वगैरह जो है देखने को मिलेंगी। और ये सब कुछ मैंने जो है इसमें चेंज कर दिया। तो ये देख लें आप, सारी न्यू बाइक्स वगैरह जो मैं डाल सकता था वो मैंने इसमें डाल दी हैं। तो ये यहाँ पर सारी आपको न्यू बाइक्स मिलती हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 7 के बटन को दोबारा प्रेस करें और कार में आ जाएं, तो गाड़ियाँ भी मैंने यहाँ सारी चेंज कर दी है। तो गेम प्ले में मैं दिखा चुका हूँ आपको कि सब गाड़ियाँ चेंज है, लेकिन एक बार फिर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे आपने अपना जो है चीट मेन्यू ओपन करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक और मोड दिया जा रहा है, ठीक। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको एक स्किन सिलेक्टर मोड भी मिलता है जिसमें आपके GTA 5 के सारे करैक्टर मिलते हैं। तो मैं टैब और क्यू के बटन को एक साथ प्रेस करूँगा तो ये देखें स्किन चेंज हो गई। तो यहाँ पर आपको GTA 5 के जितने भी करैक्टर हैं वो सब के सब मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से अपना कोई भी जो है करैक्टर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप जो है बड़ा जंप करना चाहते हैं, यानी कि एक इसमें रैंप जंप मोड भी मैंने ऐड किया है। तो वो कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, चलाते चलाते आपने एक के बटन को प्रेस करना है तो ये आपका रैंप जंप मोड आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरह करके आप काफ़ी बड़े बड़े जो है जंप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी इसके अंदर हमने एक मोड ऐड किया है के वो है चीट मेन्यू मोड। तो यहाँ पर अगर आप F2 के बटन को प्रेस करते हैं, तो चले मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ से आप जो है टाइम वगैरह को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नाइट करना है तो मैं यहाँ से नाइट कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं आपको इसका जो है वेदर चेंज करके आपको ग्राफिक्स दिखा दूँ। तो हम जाते हैं यहाँ से वेदर में। तो अगर यहाँ से आप वेदर को चेंज करते जाएंगे तो आपके ग्राफिक्स भी चेंज होते जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये मैं सारे वेदर आपको एक एक करके जो है चेंज कर रहा हूँ। तो अगर आप करते हैं बारिश, तो बारिश इतनी ज़्यादा इस मूड में, यानी कि जो ये वाला ENV हमने लो PC डाला है तो आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप हाई PC वाला ENV यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये फोगी में करते हैं तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है आपको मिल रहा है, ठीक है। वो धुंध वगैरह सी पड़ रही है, तो यानी कि काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं यार लो PC के लिए। अगर आप लो PC की फाइल को भी यूज़ करते हैं तो देख लें आपको कितने ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये मूड भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे ऐसी ही अच्छी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।